हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, पीएम लॉन्चेस न्यू प्रोजेक्ट्स इन गुजरात, क्या है देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड अ स्लू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 5,950 करोड़, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ इन गुजरात ऑन मंडे ड्यूरिंग हिज 2 डे विजिट टू हिज होम स्टेट। ही सेड द रैपिड डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री इज बींग प्रेज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड क्रेडिटेड इट टू द स्टेबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। After visiting the famous Ambaji temple on arriving in the state, Mr. Modi travelled by chopper to Kheralu in North Gujarat. He then proceeded to the venue of a public rally in an open top jeep with Chief Minister Bhupendra. ये देखो, यही जो चीज है ना, अब ये अपने लिए important नहीं है, ठीक है। He inaugurated railway projects. ये important हो जाता है। Railway projects such as new section of the वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड डबलिंग दी विरामगनम समखैली रेल लाइन, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड द इनिशिएटिव टू रिचार्ज लेक्स कंस्ट्रक्शन बैराज ऑन द साबरमती रिवर, ये इम्पोर्टेंट है। एंड सेटअप ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, इरीगेशन रोड वाइडनिंग। ही ऑल्सो लेड अ फाउंडेशन stone of irrigation and road widening projects. The project will come up in the district of Mehsana, Ahmedabad, Banaskantha, Sabarkantha, Mahisagar, Gandhinagar and Patan. At the root of the rapid development being seen in the country and winning India's praise in the world is the power of the public that has given stable government. So, ye PM ne bola apne government ki tarif karte huye. He lauded the contribution of women in dairy sector and said due to their hard work their household income has become stable. तो वुमेन का वोट इन्होंने खींचा अपने तरफ। 100 ऑफ न्यू वेनेटरीज हॉस्पिटल हैव बीन सेट अप इन नॉर्थ गुजरात बिकॉज वी अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ कैटल। आवर फोकस इज टू इंश्योर दैट एनिमल्स रिमेन हेल्दी एंड गेट प्रॉपर सर्विस सो दैट देयर मिल्क यील्ड इंक्रीज, ठीक है। अब एनिमल तो वोट नहीं करते। द पीएम सेड द गवर्नमेंट हैज सेट अपार्ट रुपीज 15,000 करोड़ फॉर फ्री वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल एंड अप्लीटेड दी डेयरी फार्मर टू गेट देयर एनिमल वैक्सीनेटेड। यहाँ पे चलो डेयरी फार्मर्स के वोट मिल गए। प्लेज टू ब्रिंग चेंज, कसम खाई है इन्होंने, अब चेंज ला के रहेंगे। इन द लास्ट टू डेकेड ओवर 800 न्यू रूरल वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी वर सेटअप इन द स्टेट एंड एफर्ट्स आर बींग मेड टू डेवलप बायोगैस प्लांट along with the dairy farm, he said. Mr. Modi said he has taken a pledge to change North Gujarat and the coastal and tribal regions of the state. Tribal region kyun change kar rahe hain, unko rehne do unke hal pe. He emphasized on ensuring connectivity and supply of water for irrigation. We have created a Gujarat where youth do not get to see hardship faced by their parents. To jo aaj ki generation hai unko pichle generation ke problems nahi dikhte. The area under irrigation has increased over nearly 2 decades, helping farmers cultivate many new types of crop. Mr. Modi said, "Isbgol and potatoes from North Gujarat are in good demand in the world. North Gujarat has witnessed rapid industrialization, helping create jobs for local and drawing migrants," said the PM. अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। सबसे पहले ये क्या हो गया, सबसे पहले आप देखो फ्रेट कॉरिडोर इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है। ये रेल लाइन इम्पोर्टेंट हो गई हमारे लिए, ठीक है। बराज क्या होता है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। साबरमती रिवर कहाँ पर है पता होना चाहिए। सीवेज एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ पता होनी चाहिए हमें। इरीगेशन क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम ऐसे नहीं कितने, कंट्री विनिंग इंडिया प्रेस, अब अपने गवर्नमेंट का तारीफ कर रहे हो, ठीक है, हमें पता होना चाहिए आपका। और क्या, ठीक है, 100 ऑफ न्यू ठीक है वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। और डेयरी फार्मर्स वैक्सीनेशन, बायोगैस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बायोगैस अगर मैं इस पूरे आर्टिकल में बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट, बायोगैस कर लो सबसे इम्पोर्टेंट। और इरिगेशन तो है ही, बस इतना ही है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।